पहाड़ छुआ खाने तो दो ही पहाड़ होती नहीं जाए हम सारा के देख रहे मनीष की इच्छा है कि पहाड़ छूने का मेरे पास बड़ा पहाड़ छूओगे तो जंगल भी है कदम खाते हैं आइसक्रीम उसके बाद चलेंगे छत पहाड़ घूमते जरूर आएंगे मनीष को लेके जाएंगे खास कर क्योंकि ये बंदा मोटा है इसका मोटा है दोस्तों तो चलिए गाइस देख रहे हो भाई के डायलॉग इसके लिए लाइक कर देना भाई देना चाहता हूँ और वहाँ पे बैठे अपने भाई लोग तो ये रहा गाइस पूरा भाई साहब क्या ही एक बार जरूर यहाँ आए और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आए दोस्तों देख सकते हो भाई और आज के ब्लॉग में हम लोग आ चुके हैं गाइस भाई लोग के साथ घूमने के लिए खोटा घाट देख सकते हो चारों तरफ कैसा नजारा है भाई पूरा एकदम से पानी ही पानी भरा हुआ है और वहाँ पे है गाइस झरना तो हम उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा कैसा लुक आता है उसको और यहाँ पे है भाई लोग देख सकते हो गाइस कितना दूर तक नज़ारा ऐसा दिखाई देता है ना भाई समुद्र जैसे हालांकि समुद्र नहीं है कुछ लेक वगैरह ऐसे टाइप से क्योंकि उधर तो ज़मीन वगैरह दिखाई दे रही है बाकी भाई साहब देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा पानी भरा हुआ है और ये एक नया बना हुआ है जब मैं और आया था तो ये नहीं हुआ था आई थिंक ये बोट स्टेशन है और उधर भी एक और बोट स्टेशन होगा तो चले गाइस चलते हैं हम लोग घूमते फिरते हैं और मज़ा करते हैं भाई लोग के साथ यहाँ पे मनीष भाई हैं और भीम भाई हैं तो चले दोस्तों वहाँ पे छोटा सा झरना है उसको मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे है गाइस मेरी बाइक ये रही ऑरेंज कलर में जो दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा और दिखाते हैं कैसा कैसा नज़ारा रहता है उसको देखते हैं गाइस आपको भी दिखाएंगे झरना काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है और घूमेंगे फिरेंगे और भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे उधर भी जाके जो कि नया कुछ बना होगा तो उसको दिखाऊंगा मैं और चलिए गाइस दिखाता हूँ आपको सीधा सीधा झरना थोड़ा सा दूर में है जो कि वहाँ है तो चलिए गाइस फाइनली वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कुछ नाश्ता वास्ता है देख सकते हो आइसक्रीम जो कुछ भी आपको थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह कुछ करना है और इधर भी है और हम लोग गाइस उधर थे उधर से मैं वीडियो शूट वगैरह कर रहा था और आ गया हूँ इधर तो चलिए हम लोग जाते हैं घूमने के लिए और हो सके तो इस रास्ते से तो जा नहीं पाएंगे वापस ऐसे करके जाएंगे गाइस दूसरे रास्ते से और उधर भी जाएंगे तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग घूमेगा थोड़ा और क्योंकि इस रास्ते से जाएंगे नहीं कैसे मनीष जाएंगे दूसरे रास्ते से पहाड़ चढ़ने हैं तो मनीष भाई को पहाड़ चढ़ाएंगे आप तो देखेंगे कैसा रहता है क्योंकि थोड़ा हल्की है तो अंडर वेट करेंगे और पतला बनाएंगे तो चले गए दूसरे और घूम के आते हैं और देखते हैं कैसा रहता है वहाँ आ रहे हैं इधर थोड़ा घूमने के लिए और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कहना चाहिए कि मिली झरना टाइप से है और इधर ये देख सकते हो ये भी है गाइस काफ़ी सुनहरा सा तो चले चलते हैं मैं आपको झरना दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे मज़ा लेते हैं थोड़ा ये रहा देख सकते हो यहाँ पे आ रहे हैं बंदे लोग भाई मिनी झरना कहना चाहिए कि ओ भाई ये रहा गाइस यहाँ का दृश्य कैसा दिखाई देता है देख सकते हो आप ये रहा दोस्तों बहुत लंबा तो नहीं है छोटा ही है बट देखने में सही है और ख़ासकर अभी क्योंकि अभी बारिश का दिन है तो बारिश के दिन में ये थोड़ा अच्छा दिखाई देता है जब पानी नीचे वगैरह आती रहती है तो सूखे दिन में कुछ माहौल नहीं रहता गाइस यहाँ पे तो ये रहा गाइस नॉर्मल से शूट कर रहा हूँ मैं अल्ट्रा वाइड नहीं है क्योंकि अच्छे से व्यू आए करके और पूरा भाई क्लियर आपको दिखाई दे रहा देख सकते हो ऐसा कुछ सुनहरा सा यहाँ पर दिखाई देता है बाकी भाई क्लियर है सामने जो भी है और यहाँ पर गाइस थोड़ी थोड़ी जो पानी के जो बूंदे हैं वो यहाँ भी आ रही है उधर तो जा ही रहा है और यहाँ भी आ रहा है बाकी एकदम क्रिस्टल आवाज़ सुन सकते हो गाइस ऐसा जब बहता हुआ पानी आता है तो कैसे सुनाई देता है और यहाँ पे है अपना भाई और ये भी अपना भाई और यहाँ पे हम गाइस में ये रहा गाइस उसको भी देख लीजिए कैसा भाई क्या ही दिखाई देता है एक बार ऐसे करके फिर से मैं आपको दिखा दूँ और कितना दूर तक बह के पानी आता है और इधर भी थोड़ा सा आता है गाइस ये रहा और गाइस यहाँ पर जा रहे हैं अपने मनीष भाई और यहाँ पर जा रहे हैं दूसरे साइड यहाँ पे मनीष और भीम और ये रहा गाइस अपना ट्यूब अपना कैमरा लाना भूल गया मैं एक्चुअल में गाइस हम घूमते घूमते आ रहे बहुत इधर ही आ गए कैमरा वगैरह से आने का ऐसा कुछ मूड नहीं था आजाना क्या है इसलिए ऐसे नॉर्मल ट्रॉलिंग का हम कैमरा लाएंगे आईफोन से कहाँ चलाते हैं और चलिए देखते हैं गाड़ी वाड़ी आ रही है ये रही चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग फ्लैक्स बैठ के बहुत ही प्यारा लोकेशन है इस पर फोटो वगैरह खिंचाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है और ये रहे अपने भाई लोग तो चले गए फोटो वगैरह खिंचाते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से और दूसरे लोकेशन में जाएंगे क्योंकि इधर से तो उधर जा नहीं सकते ऐसे ही करके जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस दो आदमी और ये एक सीक्रेट लोकेशन है दोस्तों यहाँ पे मछली
निकालते हैं शायद ये नदी में से, मछली पालन बोलते हैं ऐसा कुछ जो भी हो, मछली मारने का यहाँ पे देख सकते हो। इधर कोई नहीं आपको दिखाएगा गेट, और हम लोग ये यहाँ पे कैसे आए उसको भी दिखाऊंगा, जो कि वहाँ बोटिंग वगैरह भी होता है वहाँ पे भी मैं जाके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मनीष भाई, तो चले गए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, अगर इच्छा रहा तो बोटिंग करेंगे और इच्छा नहीं रहा तो बोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं कैसा है, दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको। और ये रहा अपना मनीष, तो ये रहा दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बोटिंग वाले एरिया में, जो कि यहाँ पे है देख सकते हो। और ये लग देख रहे पूरे मस्ती में, अभी भी फैमिली वगैरह सब आ रहे गाइस। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट है, लेकिन आप यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट है गाइस, और यह है वोटिंग करने का एरिया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मशीन वाला है, पैडल वाला तो मैंने वोट किया हुआ है। गाइस देखते हैं वोटिंग करने का मन हो तो हम करेंगे। और यहाँ पे है अपने भाई लोग, एक बार ट्रैप करें। 100 रुपया तो ज्यादा है नहीं, जा 100 रुपये कहीं जा, एक आदमी 100 कक्का दूर यार घुमाई, और वो भी हम घुमाई समझ उहे तक ला। हां वो पहाड़ ले छुआ कान में तो दो ही पहाड़ वो तो नहीं जावे हम सारा के देख रहे। मनीष का इच्छा है कि पहाड़ छूने का, मेरे पास बड़ा पहाड़ छूओगे तो जंगल भी है कदम। तो ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पे वोटिंग होता है दोनों, और दो होता है, और यहाँ पे ये सूट वगैरह भी है, दुकान ले सकते हो सेल्फ सर्विस। और कैसा सजाया गया देख सकते हो, पूरा रेस्टोरेंट की तरह। और ये रहा अपना भीम भाई, और वहाँ पे है गाइस मनीष, और इधर देख सकते हो कैसा नज़ारा आ रहा है, वोटिंग का एरिया काफ़ा। और थोड़ा सा नज़दीक जाके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं गया था कोरी डेम, जो कि नागपुर से आती है, वो भी 40 किलोमीटर दूर है, ऐसा सुनहरा सा दिखाई देता है गाइस। एकदम नज़दीक जाके मैं दिखाना चाहूँगा, ये भाई लहरों की आवाज़ें, और यहाँ पे दो दो बोटिंग, यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं, पता नहीं टिकट वगैरह कितना है, बाकी देखिए। एक बार आप यहाँ पे गाइस सीन चेक करो, क्या ही वेदर है, और मज़ा आ जाएगा अगर बोटिंग का सस्ता होगा तो, लगभग मुझे लगता है 100 रुपीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कैसा सीन रहता है, क्योंकि भाई क्या ही मज़ा आ जाएगा इस मौसम में वोटिंग जो देख रहे हो भाई। पूरा इधर से एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, और वहाँ पर बैठे अपने भाई लोग, तो ये रहा गाइस पूरा भाई साहब, क्या ही एक बार ज़रूर यहाँ आए, और अपने गर्लफ्रेंड को भी ले गया है दोस्तों, देख सकते हो भाई। और यहाँ पे पंछी वगैरह भी उड़ रहे हैं, ये रहा, और ये रहा गाइस, तो ऐसा तो सीन है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे भाई लोग, उसके बाद हम लोग वोटिंग वगैरह। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, तो चले गाइस देखते हैं कैसा सीन रहता है। यहाँ पे गाइस भाई लोग लेके आ चुके हैं आइसक्रीम, और एक बार दिखा दूँ कैसा है बताओ, दुकान ओपन करके बता भाई। ये रहा दोस्तों वनीला, चले गए अपने भाई लोग। चले दोस्तों हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और इन्जॉय करेंगे थोड़ा, उसके बाद और फ्लेवर। ये रहे देख रहे हो दोनों जने, ओ भाई। तो चले गाइस खाते हैं आइसक्रीम, उसके बाद चलेंगे छत पहाड़ घूमते जर जाएंगे, मनीष को लेके जाएंगे खास कर, क्योंकि ये बंदा मोटा है, इसका मोटा है दोस्तों। तो चलिए गाइस, आदमी मोटा है पर मोटा छोटा है। देख रहे हो भाई के डायलॉग, इसके लिए लाइक कर देना भाई। चले गाइस थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे पहाड़ घूमेंगे गाइस, उसके बाद जाएंगे मनीष भाई को भी लेके जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि पहाड़ से करने के बाद हालत खराब हो जाएगा। एक नए लोकेशन में आ चुके हैं, ये खुटा घाट है, हम लोग इस पहाड़ के उधर थे गाइस और आ चुके हैं इधर, यहाँ पे अपने भाई लोग। और ये अभी ये रास्ते से हम जा सकते हैं, डोर तो फिलहाल क्लोज है, बाइक कार वगैरह नहीं जा सकते, इधर से हम लोग चलते हैं और देखते हैं घूमते हैं थोड़ा, क्योंकि मानसून के दिनों में हम लोग आए नहीं थे, आए थे तो गाइस हम लोग आए थे गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में माहौल अलग था, और यहाँ पे मानसून के दिन में भाई पानी एकदम भरा हुआ है, खचा खच। ये रहा मैं थोड़ा नज़दीक से आके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये रहा गाइस पानी का लेवल बहुत ऊपर है, और गर्मी के दिनों में थोड़ा डाउन रहता है। तो हम लोग गाइस उधर गए थे, वो बोटिंग है वहाँ पे, पता नहीं आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन और उससे उधर गए थे जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे भी एक और बोटिंग है देख सकते हो, उधर बोटिंग चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग। तो ये रहा गाइस खुटा घाट, तो ये रहा गाइस अपने भाई लोग जा रहे हैं गाइस हम लोग घर, और हम लोग घूम लिए खुटा घाट, तो चले गाइस चलते घर, हालत खराब हो गया धूप की वजह से, इसलिए मैं ऊपर का ब्लॉक बना नहीं पाया, तो चले गाइस चलते हम लोग घर। और ये रहे अपनी बाइक में चल रहे हैं, और यहाँ पे है भाई लोग, और ये ब्रेकर। तो चले गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों। और ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है,